दानापुर रेल मंडल के DRM दिनेश कुमार गुरुवार को स्पेशल सैलून से क्यूल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने क्यूल रेलवे स्टेशन पर चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर DRM दिनेश कुमार ने कहा कि आने वाले 18 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होने जा रहा है। क्यूल रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाखों की तादाद में कांवरियों की भीड़ रहती है। उन्होंने क्यूल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं स्टेशन पर पानी की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान विभिन्न जगहों पर कुव्यवस्था को देखकर DRM ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सनमार्ग के लिए लखीसराय से विश्वनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। पानी के लिए अभी हम लोगों ने पाइपलाइन के थ्रू पानी का सप्लाई शुरू करवाया है, लेकिन उस पाइपलाइन में लीकेज है अभी बहुत ज़्यादा, अभी उसको अटेंड करा ले रहे हैं। और अभी जो मेले का पीरियड है उसमें स्पेशल अरेंजमेंट भी हम टैंकर से भी पानी सप्लाई की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी उस दौरान पानी की दिक्कत था। हमारे सीनियर साहब आएंगे जो हेड हैं, इनसे बात कर लें, जानते हैं समस्या समाधान होता है ना। हम भी चाहते हैं कि ROB बने तो वो रुके नहीं, बट ब्लॉक की रिक्वायरमेंट कोई सिंपल अगर मांग ले कि कल हमको 4 घंटे या 6 घंटे का ब्लॉक दे दिया, वो हमारे लिए संभव नहीं हो सकता है। आप चाहेंगे क्या कि हम आज अनाउंस कर देंगे कल 5 घंटे गाड़ी नहीं चलेगी, और उनकी तैयारी पूरी है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखने के बाद प्लस ये जो ब्लॉक का काम होगा उसके लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का प्रायर सेंशन लेना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रेन के ऊपर से कोई काम अगर चल रहा हो तो सैंक्शन लेना पड़ता है, वो सैंक्शन भी मिला है कि नहीं मिला है हम लोगों को बता सकते, और ये सारी प्रक्रिया देख के हम करेंगे। उनको आप बोल दीजिए हमसे बात करें या हमारे सीनियर से बात करें। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।